तो हे गाइस, इसके हिसाब से भी लोग आज मैं आपसे फिर से जा रहा हूँ माइनक्राफ्ट। तो जैसे आप लोगों को याद ही होगा, मान जब लास्ट टाइम माइनक्राफ्ट खेलते तो उसके अंदर मान लीजिए छोटा सा स्विमिंग पूल बना लिया था, जिसके लिए मेरे को चाहिए थे येलो कॉन्क्रीट ब्लॉक्स। उसके अंदर चाहिए था मेरे को ग्रेवल, सैंड और येलो डायमंड चाहिए थी। फिलहाल ग्रेवल तो मेरे को मेरे घर के ऊपर मिल गया था, जो ये बहुत सारा है अभी भी, और मैंने अच्छे से कलेक्ट भी नहीं किया है। और बात रही जो सैंड की, सैंड तो उनको रिवर के किनारे मिल गई थी, पर येलो डायमंड जो थी वो येलो फ्लावर्स मिल रही थी। येलो फ्लावर्स जो थे मेरे को यहाँ पास में मिल गए थे मेरे विलेज के। यहाँ मैंने आंधे से आग ग्राउंड को साफ कर दिया सीड्स वगैरह कलेक्ट करने के लिए। और दूसरा ये फ्लावर्स वगैरह भी मैंने बहुत सारे पिक कर लिए थे। मैंने येलो फ्लावर बहुत सारे अलग अलग फ्लावर्स पिक कर लिए थे, जो शायद मेरे पास अभी नहीं है। शायद मैं फेंक दूँगा, फिर मेरे चेस्ट में ही होंगे, तो अगर हो सके मैं फेंक भी दियो, कि मेरा किसी काम के थे वो। तो इस बार मेरा मेन टारगेट है कि मैं एक आयरन गोलम बनाऊँ। आयरन गोलम बनाने के लिए मुझे चाहिए होता है चार आयरन ब्लॉक्स। आयरन ब्लॉक जो होता है, एक आयरन ब्लॉक वो जो होता है 9 आयरन इंगट से बनता है। फिलहाल मेरे पास अभी बहुत कम मेरे ख्याल से आयरन होगा, पर कोई बात नहीं, मैं कोशिश कर देख लूँगा। लेकिन आयरन का कैसे तो इंतजाम मैं कर ही लूँगा। वो क्या होता है माइन के, हमें स्टार्टिंग में मिल जाता कई बार तो या फिर मैं चाहूँ तो ऐसा भी कर सकता हूँ कि माइन वगैरह में जाऊँ और वहाँ से अभी आयरन ढूंढ कर ले आऊँ, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं सोच रहा हूँ भी पहले पम्पकिन ही ढूंढ कर ले आता हूँ। पम्पकिन जो होता है ज़्यादा मुश्किलों से मिलता है मैं, तो उसमें भी टाइम ज़रूर लग जाएगा, पर कोई बात नहीं। तो बेटा उससे मैं अभी निकल लेता हूँ पम्पकिन ढूंढने के लिए। क्या आप लोगों को जैसे पता ही होगा, मेरे पास अभी एक भी पम्पकिन नहीं पड़ा है मेरे चेस्ट में। आपको चेक भी कराता हूँ, मैं यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर मैं येलो ड्राइवर रखी हुई है ना ही इसमें है, और मेरे इन्वेंट्री में तो अभी बहुत कम सामान है। यहाँ पर आप वैसे देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे फ्लिंट है, स्टोन पे क्या बकेट और एक कॉबल स्टोन। फिलहाल मैं अपना सामान जो है इसमें स्टोर कराता हूँ अभी, ये फ्लिंट कॉबल स्टोन वगैरह इसे जो मैं यहाँ पर स्टोर करा दिया, बकेट भी बस अपने साथ एक पिकैक्स चल लेता हूँ, मेरे को ज़रूरत नहीं है वैसे। और मोव वगैरह हम लेंगे तो उन्हें हम संभाल लेंगे, और कुछ जाएगा भी नहीं फिर हमारा, कुछ जाएगा भी तो फिर सपोज हमारी पिकैक्स। तो बेटा अच्छा, अभी हम निकल लेते हैं अपने लिए पम्पकिन ढूंढने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ जैसे ही देख सकते हो, यहाँ पर उनको पम्पकिन जो फाइनली मिल चुका है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर उनको साइड में लावा मिल गया है। तो फ्रेंड्स, इससे मेरे दिमाग बहुत ही अच्छा आइडिया आया, मैं आपको अभी बताता हूँ। आपको जैसे ही पता ही है, मैं जब डायमंड ढूंढने गया था मैं मर गया था बहुत बुरी तरह से। मेरे पास जो है डायमंड बिल्कुल भी नहीं है अब, तो मैं अपने लिए एक नेदर पोर्टल जो है बना नहीं सकता हूँ, क्योंकि उसके लिए मेरे को चाहिए ऑब्सीडियन, जो कि कलेक्ट कर सकता है सिर्फ और सिर्फ डायमंड की पिकैक्स से। तो यहाँ पर जो है डायमंड की पिकैक्स तो मेरे पास अभी है ही नहीं, और डायमंड भी नहीं है मेरे पास, ना ही एक भी डायमंड नहीं है मेरे पास। तो ऐसे करता हूँ, मैं पम्पकिन ऐसे कलेक्ट कर लेता हूँ और ना फटाफट से अपने घर की चेस्ट में स्टोर करा जाता हूँ। साथ में मैं क्या करूँगा कि इससे एक नेदर पोर्टल मांगूँगा। क्या करूँगा मैं कि पानी लूँगा पहले, फिर उसके ऊपर लावा डाल दूंगा, ऐसे एक एक ब्लॉक करते हुए बन जाएगा। हो सकता है उसकी थोड़ी बहुत शेप अच्छी ना हो, लेकिन जब मेरे पास डायमंड आ जाएगा तो मैं उसकी शेप जो है अपने आप बहुत अच्छी कर लूँगा अपने डायमंड की पिकैक्स में आकर। लेकिन अभी मेरे पास डायमंड तो है नहीं, लेकिन अभी मेरे पास जो होगा शेप जो है बहुत अच्छी बनाऊंगा मैं बाद में। लेकिन अभी जो है मेरे पास अच्छे से नहीं बनेगी, लेकिन फिलहाल अभी जो मेरे को लावा मिला है इसके लिए मैं बकेट ले आता हूँ यहाँ दो दो। यहाँ पर मेरे पास ज़्यादा बकेट नहीं है, एक ही है, लेकिन मैं दूसरी क्राफ्ट कर लूँगा। मेरे पास इतना आयरन तो पड़ा ही है, एक बकेट के लिए हम चाहिए तो कम से कम आयरन 3। तो यहाँ पर मैं फिर उससे जाता हूँ अपने घर की चेस्ट में, और वहाँ पर एक बकेट जो है मेरे पास वो पड़ी हुई जो है उसे वहाँ से निकाल लेता हूँ, और साथ में एक और बकेट मैं वहाँ पर क्राफ्ट कर लूँगा। यहाँ पर मेरे को दो बकेट तो चाहिए ही होगी, क्योंकि बार बार मैं यहाँ पर एक एक तो आऊँगा नहीं फिर, इसलिए यहाँ पर दो तो चाहिए ही होगी कम से कम। तो इसलिए यहाँ पर मैं अपने घर के एंट्रेंस तक आ गया हूँ, और साथ में यहाँ पर मैं अंदर भी आ गया हूँ। अब मेरे को जाना बस अपने घर के अंदर, जहाँ पर मेरी वो चेस्ट है जिसके अंदर माने रखी हुई अपनी एक बकेट। आप लोगों को पता ही होगा इस वाली वीडियो में मैंने अभी अभी एक बकेट रखवाई थी। तो यहाँ पर हो गया मेरा ये काम। तो यहाँ पर बस मेरे को एक आयरन गोलम सोचा मैं अभी रहने दूँ। अभी आयरन गोलम बनाने मेरे लिए थोड़ा बहुत मुश्किल रहेगा आयरन ब्लॉक्स की वजह से। मैं सोच रहा हूँ अभी अपने लिए नेदर पोर्टल ही बना लूँ, और अपने साथ एक मेरे को बकेट अच्छा पड़ी हुई है, मेरे को लगा नहीं पड़ी हुई। चलो यहाँ पर पहले से एक बकेट और पड़ी हुई थी, अच्छी बात है। तो यहाँ पर ऐसा करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर दोनों बकेट में जो है लावा ले आता हूँ, दोनों बकेट में भरकर मैं लावा ले आता हूँ यहाँ पर सबसे पहले। तो गाइस, आप यहाँ अच्छा से देख सकते हो, यहाँ पर मैं जो अपने साथ लावा बकेट ले आया हूँ। तो यहाँ पर मैंने उस बकेट में लावा भर लिया दोनों के दोनों बकेट्स में। तो और यहाँ पर क्या है, अब मेरे को यहाँ पर एक और बकेट क्राफ्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों में जो है लावा भरा हुआ है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मेरे पास यहाँ पर जो फर्नेस में दो आयरन इंगट्स थे,
धोनी मेरे ख्याल से तीन थे, हाँ तीन थे उसमें, जो मैंने इन 5-4 इनिंग्स में उन्होंने मिला लिया है। तो फटाफट से यहाँ पर मैं उन्हें ले लेता हूँ, और क्राफ्टिंग टेबल ये रही मेरी, इसके अंदर मैं देखता हूँ यहाँ पर बकेट, हाँ यहाँ पर मैं बना सकता हूँ उनसे बकेट जो कि मैंने बना लिया है। अब मैं चलता हूँ यहाँ पास में से पानी भर के आ जाता हूँ बस एक बाल्टी। अब यहाँ पर बस मेरे को ये प्रॉब्लम होगी कि यहाँ पर एक ही फिक्स लोकेशन रहेगी फिर उस नेदर पोर्टल की। फ्लिंट एंड स्टील तो मेरे पास है फिलहाल उसे चालू करने के लिए, फ्लिंट तो मेरे पास है ही, वो मुझे साथ में स्टील और चाहिए होगा। फ्लिंट एंड स्टील पता नहीं कैसे बनाते, शायद हमें कोई आयरन एंगर चाहिए होगा उसमें, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह की बात तो नहीं है। और सर तो मैं अपने लिए नेदर पोर्टल कहाँ पर बनाऊँ? वैसे मेरे ख्याल से नेदर पोर्टल जो है मैं यहाँ पर बना लूँ, यहाँ पर सही रहेगा या नहीं? मेरे ख्याल से सही रहेगा, चलो कोई बात नहीं यहाँ पर बना लेता हूँ। और थोड़ा ऊँचाई पर सुन जाता हूँ यहाँ पर मैं, ये रहा नेदर पोर्टल, ये रहा, और यहाँ पर एक ऑब्सीडियन बन गया। और ऐसे यहाँ पर उनको पानी भरते हुए रहना पड़ेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर उनको पानी भरते हुए जाना पड़ेगा। फिलहाल मेरे को पता नहीं ये वाला आइडिया मेरे काम करेगा भी या नहीं, लेकिन एक बार तो मैंने किया था, मेरा ये आइडिया काम किया था वैसे, इस वाले वर्ल्ड में किया था वो, मैंने एक बार किया था दूसरे वाले वर्ल्ड में, लेकिन ये वाला आइडिया उस वक्त मेरा काम कर गया था, तो मेरे ख्याल से इस बार भी काम कर तो जाना चाहिए, और नहीं किया तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, पर अगर काम कर गया तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलो ऐसे करते करते मेरे को जो है यहाँ पर लाना पड़ेगा लावा बार बार और पानी बार बार, ये बहुत ही ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो गया, पर कोई बात नहीं इतना हम कर सकते हैं। तो फिर उससे हम कर लेते अपना काम कंप्लीट। तो फ्रेंड्स आप लोग जैसे ही देख सकते हो यहाँ पर मैंने अपनी दूसरी वाली बकेट में एक लावा भर लिया है, यहाँ पर मेरे पास एक बकेट जो एक्स्ट्रा बच गई है। तो चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, यहाँ पर मेरे पास एक एक्स्ट्रा बकेट बच गई है, हो सकती है किसी और चीज़ में काम आ जाए। तो यहाँ पर मेरे पास एक ही ब्लॉक यहाँ पर लगाना बचा है, काश यहाँ पर चालू हो जाए मैं नेदर पोर्टल, मेरे को बस ये डर है कि चालू ना होएगा तो फिर मेरे को यार क्या होएगा। तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोग ट्राई करके देखेंगे एक बार। और यहाँ पर ये बंद हो गया हमारा, लेकिन मेरे को इसलिए चाहिए होगा फ्लिंट एंड स्टील, सो फ्लिंट एंड स्टील के लिए मेरे को यहाँ पर जाना होगा। अरे यार कहाँ कर फंस गया ये, मेरे पास अभी डॉट वगैरह भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर ऐसा तो थोड़ा बहुत यहाँ से खोद लेता हूँ, और यहाँ पर से भी, यहाँ बाद में मैं इस एरिया को ठीक कर दूंगा, अपने आप को बस बाहर निकालने के लिए किए यहाँ पर मैंने। तो उसमें मैं नीचे डर लगा लो आखिर मैं ऊपर चल जाता हूँ, और ये यहाँ पर उससे बकरी हट जाए बस ये। तो इसलिए यहाँ पर मैं बाहर आ गया हूँ, और यहाँ पर बस मेरे को अपनी चेस्ट में जाना होगा, वहाँ से लेना होगा फ्लिंट, और वहाँ पर मुझे चाहिए होगा स्टील। स्टील फिलहाल मेरे को पता नहीं कैसे बनता है, फ्लिंट एंड स्टील की रेसिपी मैं भूल गया हूँ, मेरे को यहाँ पर एक बार सर्च कर देखनी पड़ेगी अपनी क्राफ्टिंग टेबल में। तो यहाँ पर आ गया मैं अपने घर में, और यहाँ पर मैं चेस्ट में चल जाता हूँ, और यहाँ से मेरे पास यहाँ पर भी 7 फ्लिंट पड़ा हुआ है फिलहाल, इतना काफ़ी हुआ मेरे ख्याल से। और यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ मैं पहले से सर्च किया हुआ था फ्लिंट, तो यहाँ पर इसलिए मुझे आयरन एंगर चाहिए होगा, तो ये तो मेरा बन सकता है। चलो यहाँ पर मेरा ये बन गया फाइनली, और उसके अंदर मेरे पास अभी भी एक आयरन एंगर बचा हुआ है। तो चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अब यहाँ पर बस उनको ये देखना है चालू होएगा मैं लेदर पोर्टल या नहीं। यहाँ पर मेरे ख्याल से चालू हो तो जाना चाहिए, मैंने एक बार ट्राई किया था इससे पहले, फिलहाल को भी थोड़ी सी उम्मीद तो है ये हो सकता है स्टार्ट, पर उनको बस ये डर है कि आग वाग ना लग जाए। ये फ्लिंट एंड स्टील जो होता है कहीं पर भी चाहे तो आग लगा सकता है अगर हम कहीं पर भी करें ऐसे। तो फिलहाल हम ट्राई करते, ओ यस, हमारा जो नेदर पोर्टल है वो फाइनली स्टार्ट हो चुका है, मैं आपको बता नहीं सकता मेरे को इतनी सारी खुशी हो रही है। मैं अंदर जाऊँगा इसके, लेकिन सबसे पहले तो अपना सामान बाहर रख के आऊँगा, क्योंकि इसमें अंदर बहुत ज़्यादा खतरा होता है, इसमें क्या होता है अगर हम उसके अंदर चल जाएँ, और वो भी हम अपना बहुत सारा कीमती सामान लेकर, तो वो जो है हमारा चला जाएगा और हम लावा में गिर गए। तो फिलहाल मेरे को नहीं पता कोई अच्छी लोकेशनों में ही देखा भी या नहीं, लेकिन यहाँ पर मैं बकेट्स और अपने आयरन एंगर्स को जो है यहाँ पर स्टोर करा देता हूँ। और यहाँ पर स्लो में ये रहा फ्लिंट एंड स्टील को भी यहाँ पर रख देता हूँ मैं, और ऐसे तो बस एक छोटी सी पिकैक्स लेकर चले जाता हूँ वहाँ पर। फिलहाल मेरे को लगता है हाँ स्टोन की पिकैक्स वहाँ टूट पाएगा, वहाँ पर हम आयरन की पिकैक्स चाहिए होती ज़्यादातर, लेकिन फिर भी सबसे पहले हम नेदर पोर्टल को जाकर एक्सप्लोर करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या होता है कैसे होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एंटर हो गया हूँ नेदर पोर्टल के अंदर, और यहाँ पर ये कुछ स्क्रीन स्क्रीन सी आ रही है, तो हमारा वर्ल्ड जो है यहाँ पर जनरेट हो रहा है, और यहाँ पर उनको यहाँ बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पर, क्योंकि ओ मैं कहाँ पर आया हूँ, ये तो मुझे लग जगह लग रही है भाई। जो यहाँ पर स्टोन की भी कैसे थोड़ा बहुत मटेरियल जो है वो कलेक्ट हो रहा है यहाँ पर, मेरे को पता नहीं फिलहाल ये कौन सा मटेरियल है, बस मैं तो यहाँ पर जो भी मेरे को मिल रहा है मैं उसे कलेक्ट कर रहा हूँ। फिलहाल यहाँ पर मेरे को डर सा लग रहा है थोड़ा बहुत, यहाँ पर देखो आसमान भी नीला नहीं है यार, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है यहाँ पर मेरे को, पता नहीं क्यों। और नीचे एक सुअर है, पता नहीं उस जो भी है उसको क्या कहते हैं। ओ ओ ये मेरा नेदर पोर्टल,
ये क्या हुआ, मेरा नेटवर्क बोर्ड टूट कैसे गया? फ्रेंड्स अगर आपको इसका कोई सॉल्यूशन बताओ मेरे को बताने का कमेंट्स में, लेकिन यहाँ पर मेरा नेटवर्क बोर्ड टूट कैसे गया मेरे को उसे जानना है। तो चलो अच्छा, वहाँ पर मैं सामान नहीं लेकर गया था अपने साथ, तो यहाँ पर देखता हूँ मेरे नेटवर्क पोर्टल के साथ आखिर हुआ क्या है, यहाँ से प्रॉब्लम हुई या फिर वहाँ से? मेरे ख्याल से वहाँ से कोई प्रॉब्लम हुई होगी, यहाँ पर तो मैंने एकदम सही किया था, पता नहीं यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो गई आखिर इसमें। यहाँ से तो एकदम ठीक लग रहा है नेटवर्क पोर्टल, पर पता नहीं वहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो गई एकदम से, मैं आग में चला गया यार, एक तो ये प्रॉब्लम हो गई वहाँ पर, और दूसरी बात आपका नेटवर्क पोर्टल टूट कैसे गया आखिर वहाँ पर? पता नहीं क्या हुआ, कुछ ना कुछ हुआ है मेरे साथ वहाँ पर पूरा। मेरे ख्याल से अभी हमें दूसरी लोकेशन देगा, पर उसके पास वाली होगी मेरे ख्याल से, तो उसने यहाँ पर मैं नेटवर्क पोर्टल में आ गया हूँ। दूसरा वाला नेटवर्क पोर्टल कहाँ है मेरा? लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रही है वाली जगह, और यहाँ पर का ये वाला नेदर पोर्टल भी डिस्ट्रॉय ना हो जाए मेरा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं सामान छोड़ वगैरह मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। ओए ये मारेंगे क्या मैं? ओ यहाँ पर तो आ ही नहीं रहे इनके निशान है, मैं यहाँ पर आराम से खड़ा हूँ भाई इनके। ओ भाई ये लोग तो मार रहे हैं, आ जाओ भाई आ जाओ भाई। ओए इन्होंने बेकार में मार दिया भाई मेरे को तो ऐसे, यार मेरे को लगा नहीं था भाई ये लोग इतने सारे से मार पाएंगे। मेरे ख्याल से मुझे थोड़ा बहुत तो आर्मर वगैरह लेकर जाना चाहिए, लेकिन मैं सुना अगर लोग गोल्ड का आर्मर पहन कर जाते हैं तो ये लोग उन्हें पहचान नहीं पाते, ये लोग सोचते हैं कि उनकी टीम के हैं, क्योंकि इन लोगों को क्या होता है आकर यहाँ के लोगों को जो होता है गोल्ड बहुत प्यारा होता है, पर यहाँ पर मेरे पास अभी बिल्कुल भी गोल्ड नहीं है। गोल्ड तो छोड़ो, यहाँ पर मेरे पास इतना ज़्यादा आयरन भी नहीं है, अभी मैं माइनिंग के लिए थोड़ा कम जाता हूँ और मेरे को माइनिंग इतनी ज़्यादा पसंद नहीं, तो इसलिए कोई बात नहीं, काश ऐसा होता मैं किसी वहाँ के मॉन्स्टर को अपने वर्ल्ड में लेके आ सकता, पर हमको भी पता नहीं अगर ऐसा हो सकता है आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए गुड बाय।